हेलो, नमस्कार। मैं मंजू बाला आज आपका इस ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम भूगर्भिक समय सारणी के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भूगोल का बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, भूगर्भिक समय सारणी। तो चलिए, भूगर्भिक समय सारणी। अब इस भूगर्भिक समय सारणी के अंदर जो भूगर्भिक समय सारणी की शुरुआत है, वो शुरुआत 13.7 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना के नाम से जानी जाती है। अब भूगर्भिक समय सारणी की जो सबसे पहली घटना थी वो बिग बैंग की घटना थी। फिर उसके बाद जो दूसरी घटना थी वो है 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व तारों का निर्माण। उसके बाद है 4.6 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति। यानी कि अपना जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, भूगर्भिक समय सारणी है, वो 4.6 अरब वर्ष पूर्व, या फिर हम कहें कि 460 करोड़ वर्ष पूर्व, है ना? 4.6 अरब वर्ष पूर्व कह दो या 460 करोड़ वर्ष पूर्व कह दो, तो वहां पर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो जानकारी है वो मिलती है। तो सही अर्थ में जो भूगर्भिक समय सारणी की जो शुरुआत है वो 13.7 अरब वर्ष पूर्व बिग बैंग की घटना से हुई, फिर तारों का निर्माण हुआ, उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसके लिए मैंने एक समय सारणी बनाई है जो समझने के हिसाब से बहुत ही सरल लगेगी आपको। तो सबसे पहले उस सारणी को समझने से पहले हमें यहाँ उस सारणी के अंदर सबसे पहले जो अवरोही क्रम है कि सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद किस इन किन हिस्सों में समय बटा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, या हम कहें कि अवरोही क्रम में मैंने उसको डिवाइड किया है। जैसे सबसे पहले उस भूगर्भिक समय सारणी को हमने महाकल्प, जिनको इयोन्स बोलते हैं, उसके बाद कल्प, उसके बाद युग, फिर इपोच, या कहें विशिष्ट युग या काल भी कह सकते हैं, और उसके बाद आयु। ठीक है, तो इस भूगर्भिक समय सारणी को हम इनके द्वारा पढ़ेंगे, इनके माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे आपका महाकल्प, कल्प, युग, इपोच और आयु। इस भूगर्भिक समय सारणी का निर्माण सबसे पहले किसने किया था? जियोवानी अदीना नेदी, जो इटली के रहने वाले थे, इटली के एक भूगर्भवेत्ता थे, उन्होंने इस भूगर्भिक समय सारणी का निर्माण किया 760 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक छोटी सी एक कॉन्सेप्ट और है कि इस भूगर्भिक समय सारणी के अंदर जब बिग बैंग की घटना हुई थी, उस समय अपन बार बार ये नाम सुनते हैं, क्षुद्र ग्रह, है ना? क्षुद्र ग्रह है, उल्का पिंड, उल्का, या फिर धूमकेतु। तो इनके बारे में जैसे छोटी छोटी बातों में आपको बताऊं कि जैसे बिग बैंग की घटना है ना, तारों का निर्माण है, इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, उसमें विस्तार से समझा रखा है। लेकिन फिर भी जैसे अपन कहें कि बिग बैंग की घटना जो थी वो एक पार्टिकल या एक जो परमाणु था उसके विस्फोटन के परिणाम स्वरूप हुआ था, और उस विस्फोटन में सबसे पहले एक जो विस्फोट हुआ तो वो एनर्जी इधर उधर घूमती रही, यानी कि उसमें लगभग 4 से 5 अरब वर्ष लग गए थे। फिर जब 4 से 5 अरब वर्ष लग गए, यानी कि 5 से 6 अरब वर्ष पूर्व, ठीक है, उसके बाद जो समय आया उसमें एक तारे का निर्माण हुआ, फिर उन तारों से आकाश गंगाओं का निर्माण हुआ। आकाश गंगाओं के परिणाम स्वरूप उसके अंदर जैसे अपनी भी एक आकाश गंगा है, अपनी भी एक आकाश गंगा, जिसको अपन दुग्ध मेखला के नाम से या ऐरावत पथ के नाम से जानते हैं, तो उस ऐरावत पथ में ही अपना पूरा सौर मंडल है। तो उस सौर मंडल के अंदर ही ये पाए जाते हैं क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, उल्का, उल्कापिंड और धूमकेतु। क्षुद्र ग्रह की जब हम बात करते हैं तो जैसे अपना सोलर सिस्टम है, उस सोलर सिस्टम के अंदर जैसे सबसे पहले सन है ना, फिर अपना मरकरी है, फिर अपना वीनस है, फिर अर्थ है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, और फिर नेपच्यून है। तो ये जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल के अंदर जो आपका जुपिटर और सैटर्न, जुपिटर और सैटर्न जो ग्रह हैं उनके बीच में, है ना, सॉरी, जो आपका मंगल और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति ग्रह हैं उनके बीच में छोटे छोटे जो ग्रह पाए जाते हैं, पिंड पाए जाते हैं, उन पिंडों को ही क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। उसके बाद उल्का आती है। उल्का का मतलब जैसे अपनी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, तो एक प्रकार का ठोस पदार्थ है जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है,
और सूर्य के इर्द गिर्द घूमने के परिणाम स्वरूप चूंकि ये वाष्प के बने ठोस पदार्थ हैं, तो जैसे ही ये सूर्य के पास जाते हैं तो सूर्य और जो या फिर धरातल के पास सूर्य इनको वापस अपनी सोलर एनर्जी के कारण धकेलता है। तो धकेलने के परिणाम स्वरूप इसके अंदर क्या होता है कि ये पृथ्वी की तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि पृथ्वी में ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। जैसे ही आएंगे तो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इनके अंदर घर्षण पैदा होता है और उस घर्षण के परिणाम स्वरूप हमें एक ज्वाला सी दिखती है जिसको हम उल्का बोल देते हैं। और यही उल्का यदि पृथ्वी पर आ गिरती है, धरातल पे आ गिरती है, तब हम उनको उल्का पिंड बोलते हैं। इसी प्रकार धूमकेतु है। धूमकेतु में क्या होता है कि जिस प्रकार जैसे सारे ये पिंड हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, ठोस पिंड हैं, वो ठोस पिंड ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, इसी प्रकार जो धूमकेतु हैं ये भी एक ठोस पिंड हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इनमें ज्यादातर मात्रा वाष्प की होती है, गैसेज की होती है। तो जैसे ही सूर्य के संपर्क में जाते हैं तो इनसे वाष्प वो अवोपरेट होती है ना, वाष्पित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप इनके अंदर एक पूंछ सी हमें दिखाई देती है ऊपर उठती हुई, तब हम उसको क्या बोलते हैं, धूमकेतु। ठीक है, तो ये एक भूगर्भिक समय सारणी की छोटी सी एक ब्योरा था जिसके अंदर अपन ये कह सकते हैं कि भूगर्भिक समय सारणी है वो 13.7 अरब वर्ष पूर्व से जानी जाती है। अब देखो हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं, भूगर्भिक समय सारणी को। तो मैंने यहाँ पर एक सारणी बनाई है, यहाँ देखो भूगर्भिक समय सारणी। जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले भूगर्भिक समय सारणी के अंदर आएंगे महाकल्प। ठीक है, भूगर्भिक समय सारणी में महाकल्प, फिर कल्प, फिर युग, फिर इपोच या विशिष्ट युग, फिर उसके बारे में हम विशेष विवरण पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो अपन पढ़ते हैं महाकल्प। तो महाकल्प जो है वो दो हुए, नंबर एक आपका प्रागजीवी और दूसरा है आद्यजीवी महाकल्प। दो महाकल्प आए, प्रागजीवी महाकल्प जिसको हम प्री कैम्ब्रियन बोलते हैं और दूसरा है आद्यजीवी जिसको फेनोरोजोई के नाम से भी जानते हैं। अब जैसे मैंने बताया कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व जो है वो बिग बैंग की घटना हुई थी, पे 5 से 7 अरब वर्ष पूर्व क्या बना था, तारे का निर्माण हुआ था। फिर उसके बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, 4.6 अरब कह लो या 460 करोड़ कह लो। तो यहाँ पर देखो 460 करोड़ वर्ष पूर्व जो की घटना है उसके अंदर उसको हमने बांटा है महाकल्पों में, कल्पों में, युगों में, इपोच या विशिष्ट युगों में या फिर आयु में, है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले प्रागजीवी जो महाकल्प है वो दो हैं, प्रागजीवी और आदिजीवी। ठीक है, प्रागजीवी और आदिजीवी। फिर सबसे पहले अब यहां चलेंगे देखो प्रागजीवी के अंदर। अब प्रागजीवी है उसमें कल्प कितने हैं, तीन। प्रागजीवी में कल्प है हेडन, अर्कियन और पेट्रोजोइक। हेडन, अर्कियन और पेट्रोजोइक, इसके अंदर कोई युग नहीं है और इसमें जो घटनाएं हुई थी उन घटनाओं को चर्नियन हलचल के नाम से जानते हैं। अब इन चर्नियन हलचल के अंदर क्या हुआ था, जैसे सबसे पहले यहां पर बताया गया है कि जो हेडन है उस हेडन में तो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। हेडन में तो क्या हुई थी, पृथ्वी की उत्पत्ति। फिर उसके बाद दूसरा जो कल्प आया अर्कियन, अर्कियन जो कल्प था उस अर्कियन कल्प में क्या हुआ, चट्टानों का निर्माण। फिर उसके बाद पेट्रोजोइक जो कल्प आया उस कल्प में सागरीय जीवों की उत्पत्ति हुई। यहाँ पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि वो एक्चुअली महाकल्प और कल्प में डिफरेंस ही पता नहीं कर पाते और इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनमें उलझ के रह जाते हैं, जैसे प्रागजीवी है, प्री कैम्ब्रियन है, आदजीवी या फेनोरोजोइक। आप फेनोरोजोइक और पेट्रोजोइक को एक ही समझ लेते हैं जबकि इनमें से एक तो क्या है, महाकल्प है। फेनोरोजोइक तो क्या है, महाकल्प है, और पेट्रोजोइक क्या है, कल्प है। तो सबसे पहले इसमें समय जरूर लगेगा लेकिन हमें इस भूगर्भिक समय सारणी को केवल इस सारणी के द्वारा इन नामों को ही अच्छे से समझना होगा, तब जाके फिर हम उसके समय के डिवाइड पे फोकस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर बताया कि जो प्रागजीवी महाकल्प है उस महाकल्प के अंदर कितने कल्प हुए, तीन। कितने, तीन। सबसे पहला हेडन है, फिर उसके बाद अर्कियन है, फिर उसके बाद पेट्रोजोइक है। अब इन जो कल्प हैं इन कल्पों के अंदर जो हलचल हुई उस हलचल को हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, चर्नियन हलचल। अब सबसे पहला जो हेडन था उस हेडन में तो क्या हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति।
फिर अर्कियन आया, तो अर्कियन में क्या हुआ, चट्टानों का निर्माण हुआ। पेट्रोजोइक आया, उसमें क्या हुआ, सागरीय जीवों की उत्पत्ति। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखो, पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो 460 करोड़ वर्ष पूर्व हो गई थी, चट्टानें जब बनी थी वो यहाँ लगभग 225 करोड़ वर्ष पूर्व पहले ही बन गई थी, और जो आपका महासागर जीवों की जो उत्पत्ति है वो लगभग 57 करोड़ वर्ष पूर्व ही बन गई थी। अब हम दूसरे महाकल्प के अंदर चलते हैं। दूसरा महाकल्प जो है अपना वो है आद्यजीवी। ठीक है, आद्यजीवी महाकल्प या फेनेरोजोइक, इसका जो एक फेमस रूप से जो नाम बार बार आता है वो फेनेरोजोइक ही है, फेनेरोजोइक महाकल्प। इस फेनेरोजोइक महाकल्प के अंदर फिर आपके कल्प कितने आए, इस फेनेरोजोइक महाकल्प के अंदर तीन कल्प आए, जिसमें पहला है फेनेरोजोइक कल्प के अंदर तीन महाकल्प के अंदर तीन कल्प आए, जिसके अंदर तीन कल्प आए, जिसके अंदर आपका पहला है पैलियोजोइक। ठीक है, पहला है पैलियोजोइक, दूसरा है मेसोजोइक और तीसरा है सेनोजोइक। इनको समझना बहुत ही आसान है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि तीन है इसके अंदर, ये देखो यहाँ पैलियोजोइक है ना, तो पैलियोजोइक जो है ये रहा पैलियोजोइक। अब इस पैलियोजोइक के अंदर तीन आपके क्या आए, पैलियोजोइक तो क्या हो गया आपका, कल्प हो गया, और उस कल्प के बाद क्या है, युग। और युग कितने हैं, कैम्ब्रियन युग, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमेनियन, ये क्या आए अपने पास, युग आए। ठीक है, अब इस पैलियोजोइक कल्प के अंदर युग आ गए। अब युग के बाद इसके अंदर जो घटनाएं हुई, जो भी हलचल हुई, उस हलचल में जो आपका डिवोनियन था, जो डिवोनियन युग है, उस डिवोनियन में तो क्या आया आपके, कैलिडोनियन हलचल हुई, और कार्बोनिफेरस और परमिनियन इन दोनों को मिलाकर के आपकी हर्सीनियन भूचल वो हलचल हुई, या हम इसको परमो कार्बोनिफेरस। ठीक है, परमो कार्बोनिफेरस के नाम से भी जानते हैं। अब इसके अंदर जो आपका पैलियोजोइक था है ना, पैलियोजोइक कल्प था, इस पैलियोजोइक कल्प के अंदर सबसे पहले जो युग बताए, उन युगों को देखो, यहाँ पर सबसे पहला जो युग मैंने बताया कैम्ब्रियन युग, इस कैम्ब्रियन में क्या हुआ, सबसे पहले मत्स्य, पहली मछली पाई गई और रीढ़धारी जीवों की उत्पत्ति हुई, इसमें कैम्ब्रियन युग में। फिर उसके बाद आया आर्डोविशियन युग, चल रहे हैं ये आर्डोविशियन युग में क्या हुआ कि इन जीवों के अंदर विविधता देखने को मिली, कि अलग अलग इनकी जो प्रजातियां हैं वो प्रजातियां। फिर उसके बाद आया सिल्यूरियन युग, उस सिल्यूरियन के अंदर संवहनी पौधे, तैरने वाले जो पौधे थे उनकी उत्पत्ति हुई। फिर डिवोनियन, और डिवोनियन में उभयचर यानी कि एम्फीबियंस जीव हैं जो धरातल पे और सागरों में दोनों जगह निवास करते हैं, उनकी उत्पत्ति हुई। फिर कार्बोनिफेरस और परमिनियन, कार्बोनिफेरस के अंदर क्या हुआ, रेंगने वाले जीव, सबसे पहले रेप्टाइल्स मिले और पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई, और कार्बोनिफेरस को तो आप जानते ही हैं। उसके बाद परमिनियन जो है, उस परमिनियन के अंदर रेंगने वाले जीवों में विविधता, यानी कि जो रेप्टाइल्स हैं अलग अलग प्रकार के, जैसे यहाँ पर मगरमच्छ से लेकर के अपन एक छिपकली है वहां तक, उसको भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसके अंदर चूंकि आपको पता है कि कार्बोनिफेरस और परमिनियन, इसको मैंने बताया कि हर्सीनियन या परमो कार्बोनिफेरस हलचल के नाम से जानते हैं, तो इसके अंदर ही कोयले का निर्माण हुआ था, बहुत बड़ी घटना हुई थी एक उथल पुथल की, जिसके अंदर कोयले का निर्माण हुआ, और उस कोयले के अंदर भी जो सबसे बढ़िया कैटेगरी थी यानी कि एंथ्रेसाइट और बिटुमिन जो कोयला है वो बना था, क्योंकि कोयला क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ये जो कार्बोनिफेरस जो समय था, युग था, इसमें जो हलचल हुई थी, सबसे पहले जो पेड़ दबे थे वो ताप और दाब के कारण, जितना ताप और दाब ज्यादा पड़ा उतना ही जो कोयले की कैटेगरी है वो बढ़िया हुई, कैटेगरी मतलब उसके अंदर कार्बन की मात्रा उतनी अधिक संचित होती गई। ठीक है, तो यहाँ पर ये था अपना जो दूसरा महाकल्प था फेनेरोजोइक, उसका एक कल्प पैलियोजोइक था, उस पैलियोजोइक के अंदर ये युग थे और इन युगों के अंदर ये घटना हुई। उसके बाद अपन चलते हैं आदिजीवी जो महाकल्प है,
उसका दूसरा कल्प जिसके बारे में हम यहां पर इसको बोलेंगे मैसोजोइक। ये देखो दूसरा जो है ये है आपका मैसोजोइक, मैसोजोइक। मैसोजोइक में जो कल्प है इस कल्प के अंदर कितने युग आए? तीन, जिनको हम ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस के नाम से जानते हैं। तो मैसोजोइक जो कल्प था जिसकी जो उत्पत्ति है, जिसका जो समय पीरियड है वो 24.5 करोड़ से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व का जो समय था उस समय को अपन मैसोजोइक कल्प के नाम से जानते हैं। और उस कल्प के अंदर यहाँ पर देखो ट्रियासिक जो समय था उस ट्रियासिक के अंदर क्या हुआ? सबसे पहले स्तनधारी जीव, सबसे पहले स्तनधारी जीव यानी कि सबसे पहले जो स्तनधारी जीव थे जिसके अंदर अपन डायनासोर ले सकते हैं, जो मतलब स्तनधारी जीव थे या डायनासोर की उत्पत्ति के नाम से भी ये जाना जाता है। दूसरा जो था आपका जुरैसिक, जुरैसिक ये देखो जुरैसिक। दूसरा जुरैसिक जो है इस जुरैसिक के अंदर सबसे पहला पक्षी देखा गया और डायनासोर के अंदर विविधता आई, यानी कि सबसे पहला डायनासोर तो कब आया? ट्रियासिक युग में। और जुरैसिक में क्या आया कि पहला तो पक्षी और डायनासोर के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आई। डायनासोर एक ही प्रकार का नहीं था, अपने को एक ही पता है, देखने में बस बड़ा सा लगता है, बाकी उसकी जो बायोडाइवर्सिटी पे अपन जाते हैं, जैव विविधता पे जब जाते हैं तो उसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे हिमनास्टिक में मिलती है अपने को। तीसरा इसके अंदर आया क्रिटेशियस, और क्रिटेशियस आप सबको पता है कि ज्वालामुखी, क्रिटेशियस जो आपका युग था उसके अंदर ज्वालामुखी घटना सबसे पहले देखने को मिली और इसके अंदर डायनासोरों का विनाश हो गया और फ्लावर प्लांट्स सबसे पहले इसी युग के अंदर देखे गए, जिसको अपन क्रिटेशियस युग के नाम से जानते हैं। तो जो आपका दूसरा महाकल्प है फेनरोजोइक है, उस फेनरोजोइक के अंदर आपके तीन कल्प आए जिनको अपन पैलियोजोइक, मैसोजोइक, मैसोजोइक और सेनोजोइक के नाम से जानते हैं, जिनके अंदर जो आप मैसोजोइक अपन पढ़ रहे हैं उस मैसोजोइक में तीन युग आए ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस। ट्रियासिक जो है इसमें डायनासोर आए सबसे पहले, जुरासिक में सबसे पहले बर्ड्स आए और जो डायनासोर है उनके अंदर विविधता देखने को मिली, और क्रिटेशियस में सबसे पहला ज्वालामुखी फटा और डायनासोरों का विकास देखने को मिला। अब इसके अंदर तीसरा जो अपना है सेनोजोइक, सेनोजोइक के अंदर कितने युग आए? दो। सेनोजोइक के अंदर दो युग आए और उन दोनों युगों के अंदर उनके नाम है जैसे तृतीय युग और चतुर्थ युग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इससे पहले हमने कहीं पर भी इपोच का वर्णन नहीं किया था, अब यहाँ पर जैसे महाकल्प आ गया, फिर उसके बाद कल्प आ गया, फिर उसके बाद युग आ गए, है ना। यहाँ महाकल्प थे फेनरोजोइक, फेनरोजोइक के अंदर यह महाकल्प थे, फिर यहाँ पर आपके कल्प आए जिसके अंदर आप पैलेजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक पढ़ा है, उसके बाद आपके युग आए जिसके अंदर से आपने ट्रियासिक, जुरैसिक, क्रिटेशियस पढ़े हैं, या फिर जो सेनोजोइक आपका कल्प है उस कल्प के अंदर आपने तृतीय युग और चतुर्थ युग पढ़ा है। अब इन तृतीय और चतुर्थ युगों के अंदर इपोच आए, विशिष्ट युग आए या फिर काल आए, और उनको हम इस नाम से जानते हैं। जैसे सबसे पहला है आपका पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। अब जो तृतीय युग है इसकी जो शुरुआत है वो 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व तक की घटना को अपन किस नाम से जानते हैं? तृतीय युग। तृतीय युग मतलब टर्सरी जो समय है उसको अपन बोलते हैं, और ये बहुत ही इसके अंदर जो हलचल हुई थी उस हलचल को हमने यहाँ पर बोल दिया अल्पाइन भूहलचल। और अल्पाइन भूहलचल का आप सबको पता है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति से संबंधित जो हलचल थी उसी हलचल को अपन ने किसका नाम दिया? अल्पाइन। अब अल्पाइन के अंदर जैसे अपन हिमालय का मोटा मोटा पढ़ते हैं तो जैसे ट्रांस हिमालय है, फिर उसके बाद महान हिमालय है, फिर उसके बाद मध्य हिमालय या लघु हिमालय है, और लास्ट में आपका शिवालिक हिमालय है, ठीक है। तो इनकी उत्पत्ति जैसे पैलियोसीन है इसके अंदर हलचल हुई, लिग्नाइट कोयला बना, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि एंथ्रेसाइट और बिटुमिन कोयला कब बना था? ट्रियासिक जो कार्बोनिफेरस युग था, कार्बोनिफेरस और परमीनियन
जो युग था उसके अंदर एंथ्रेसाइट और बिटुमिन बना था, और लिग्नाइट कोयला देखो यहाँ पर कब बन रहा है, तृतीय युग के अंदर बन रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर अपना आया इसी के अंदर जो मैसोजोइक है, जो मैसोजोइक है उस मैसोजोइक का पहला युग तो था तृतीय युग, जिसके अंदर कौन कौन से इपोस थे, पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन, जिनके अंदर हिमालय की उत्पत्ति हुई थी और लिग्नाइट कोयले का निर्माण हुआ था। फिर उसी सेनोजोई के अंदर दूसरा युग आया चतुर्थ युग, जिसको अपन क्वार्टनरी युग के नाम से भी जानते हैं, और उस क्वार्टनरी के अंदर दो विशिष्ट युग आए या इपोच आए, और इन इपोचों को अपन प्लिस्टोसीन और होलोसीन के नाम से जानते हैं। अब प्लिस्टोसीन जो युग है इसके बारे में यहाँ देखो, प्लिस्टोसीन जो है इसमें क्या घटना हुई थी कि उत्तरी गोलार्ध में हिमयुग आए थे, इसके अंदर जो आपके आइसबर्ग्स हैं, जो हिमयुग हैं, जो आपकी हिमानियाँ हैं, उनका निर्माण हुआ था, उनकी उत्पत्ति हुई थी, और उनके अंदर ये बड़े ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे यूरोप में जो आए, उन यूरोप में आने वालों को अपन किस नाम से जानते हैं, गुंज, मिंडेल, ऋष और वुर्म। कई बार एग्जाम में इनके सीक्वेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसे उलट पुलट कर देते हैं इनको, कि मिंडेल पहले ले आए, ऋष बाद में ले आए, चार ऑप्शन इसी तरह से आते हैं, तो इसमें सबसे पहले सीक्वेंस आएगा गुंज, मिंडेल, ऋष और उसके बाद वुर्म। ठीक है, ये थे यूरोप के। उसके बाद उत्तरी अमेरिका में भी कुछ ग्लेशियर देखने को मिले, जिनमें आपका था नेब्रास्कन, कंसास, इलियोनोयस और विस्कोंसिस, ये चार हिमयुग इसके अंदर भी आए, ग्लेशियर आए। ठीक है, उसके बाद इसमें उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ और मरुस्थल का निर्माण हुआ और महान झीलें बनी और मानव के पूर्वज का भी वर्णन इसी युग से माना जाता है, इसी विशिष्ट युग से माना जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, होलोसीन। ठीक है, नव निर्मित जो आपका विशिष्ट युग है उसको होलोसीन के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब इससे पहले जो मैंने आपको तृतीय युग बताया था, उस तृतीय युग के अंदर देखो यहाँ पर इस टर्शियरी युग के अंदर मैंने क्या बताया था कि अल्पाइन भूहलचल हुई थी और हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। अब हिमालय पर्वत से जैसे ही अपन नीचे की तरफ आते हैं तो पता है कि महान हिमालय, लघु हिमालय, मध्य हिमालय, इनके पश्चात किसका निर्माण होता है आकृतियों में, उत्तर के विशाल मैदान का। तो यहाँ पर देखो प्लिस्टोसीन जो आपका ये हलचल हुई, उसके बाद प्लिस्टोसीन हुआ, प्लिस्टोसीन में ग्लेशियर आए और उसके बाद उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ, हिमालय के जस्ट नीचे किसका निर्माण हुआ, उत्तर के विशाल मैदान का। अब उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण हुआ था तो उस टाइम जो सबसे तो जो इतनी बड़ी हलचल हुई थी, उस हलचल के अंदर उथल पुथल हुई और उथल पुथल के परिणाम स्वरूप जब दो प्लेटें खिसकी तो यहाँ पर 33 नाम का एक सागर था, उस 33 सागर के अंदर वो सिकुड़ गया और सिकुड़ने के परिणाम स्वरूप वहां पर जब ऊपर हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया था तो ये सिकुड़ गया। सिकुड़ने के पश्चात कुछ वर्षों तक तो यहाँ पर हरी भरी हरियाली रही, और हरियाली रहने के पश्चात या ओवर गेजिंग के कारण वो वनस्पति भी जब दब गई उथल पुथल की घटना में, तो जो पेड़ पौधे थे उन पेड़ पौधे से तो क्या बन गया, कोयला। अब चूंकि ये कोयला जो है, कोयला बना, और ये कोयला जो है ये नवनिर्मित घटना है, तो इससे तो क्या बन गया, लिग्नाइट कोयला बना, और जो पुराना कोयला था वो कौन सा था, एंथ्रेसाइट और बिटुमिन। तो यहाँ पर पुराना कोयला, एंथ्रेसाइट और बिटुमिन जो कार्बोनिफेरस युग के अंदर बना था, और यहाँ पर लिग्नाइट कोयला जो कब बना है, टर्शरी युग के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका टर्शरी युग के अंदर जो प्लिस्टोसीन है, इस प्लिस्टोसीन के अंदर क्या हुआ, मरुस्थल का भी निर्माण देखने को मिला, क्योंकि जो पेड़ पौधे थे वो तो दब गए और जो घास, छोटी वनस्पति थी उसमें ओवर गेजिंग के कारण धीरे धीरे वो घास वाला मैदान भी मरुस्थल के अंदर कन्वर्ट हो गया, जिसके अवशेष हमें राजस्थान में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आया आपका होलोसीन युग, और उस होलोसीन युग में आधुनिक मानव बांगर और खादर जैसी विशेषताएं अपने को देखने मिलती हैं, जिसका जो समय पीरियड है वो लगभग 10,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। अब इस होलोसीन युग के अंदर जैसे अपने मानव के जो पूर्वज हैं, चिंपेजी है, गुरिल्ला है, ये सब देखने को मिलता है, इलियोपिथेकस है, ट्रायोपिथेकस है ना, तो ये मानव के पूर्वज हैं। और बांगर और खद्दर आपने नाम सुना ही होगा कि उत्तर के विशाल मैदान का जब निर्माण हो गया, उसके बाद भी जब नदियां अपने साथ नव निर्मित मिट्टी बहाकर लाती हैं, जो मिट्टी बहाकर लाती हैं वो मिट्टी जैसे ही पुरानी होती है तो उसको तो अपन क्या बोल देते हैं, बांगर। ठीक
पुराने को तो क्या बोलेंगे, बांगर, ठीक है। और जो नई मिट्टी आती है उसको बोलते हैं खादर। तो पुरानी मिट्टी बांगर और नई मिट्टी खादर। तो इस प्रकार से जो आपका एक भूगर्भिक समय सारणी है वो पूरी हो जाती है। भूगर्भिक समय सारणी को समझने के लिए अपने को सबसे पहले इस सारणी पे ध्यान देना होगा। सारणी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप ज्यादा कुछ नहीं, केवल महाकल्प, कल्प, युग, इपोच और आयु, इनके ऊपर विशेष ध्यान देंगे। इनको समझ लिया मतलब आपने भूगर्भिक समय सारणी समझ में आ गई। तो यहाँ पर जो आपने भूगर्भिक समय सारणी को देखा है, इस भूगर्भिक समय सारणी के अंदर अपन ये सारे जो कॉलम्स हैं इन कॉलम्स को एक बार देख लेते हैं। महाकल्प, कल्प, युग, इपोज और विशेष विविधता है, विशेष विवरण है इसमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो मैंने एक चीज बताई आपको कि महाकल्प है वो दो हैं, कल्प हैं वो इसके अंदर अलग अलग, जैसे एक महाकल्प के अंदर तीन हो गए, दूसरे महाकल्प के अंदर भी तीन हैं, फिर उनके अंदर अलग अलग युग हैं, उनके अंदर अलग अलग विशिष्ट युग हैं, और किस किस युग में कौन कौन सी घटना हुई उनके बारे में विस्तार पूर्वक समझा दिया गया है। धन्यवाद।